मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, तभी से एक के बाद एक बवाल लगातार होते ही जा रहे हैं। पूरा बॉलीवुड कुछ नेताजी टाइप लोगों की शह पर आकर ओपनली एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े के ऊपर पर्सनल हमले भी बोल रहा है, जिसके ही रिलेटेड एक बहुत ही खास ऑडियो और एक बहुत ही खास वीडियो जो कि खुद समीर वांगखेड़े और उनकी फैमिली का है, वो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। क्योंकि अगर आपने कभी भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके इन लोगों की फिल्में देखी होंगी, इनके पीछे अपनी गाढ़ी मेहनत का पैसा फूका होगा, तो आप सब भी सच्चाई जानने के बराबर के हकदार हैं। और इससे पहले मैं आप सभी लोगों को महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम यानी कि उद्धव ठाकरे की टिप्पणी बता दूं, जो उन्होंने एनसीबी को लेकर करी है कि क्या आजकल महाराष्ट्र के लोग घर में तुलसी का पौधा छोड़ चरस और गांजा उगाने लगे हैं क्या? जो एनसीबी महाराष्ट्र के अंदर और खास करके बॉलीवुड वालों के घरों में लगातार हर आए दिन एक के बाद एक रेड्स कंडक्ट करे ही जा रही है। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि एक सीएम होने के नाते उन्हें तो एनसीबी के ऊपर गर्व होना चाहिए, ना कि ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। अब वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के और एक नेताजी हैं जिनका नाम है नवाब मलिक, उनके भी आरोप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वांगखेड़े खुद अपने ही सगे संबंधियों को गवाह बनाकर जिसको तिसको ड्रग्स मामले में फंसाकर नशेड़ी घोषित कर जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। मतलब ये तो अलग ही लेवल की टिप्पणी हुई ना, जिसके बाद उनके द्वारा एक फ़ोटो भी शेयर कर दी गई जो कि आप सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। अब ऐसे बेबुनियाद आरोप समीर वांगखेड़े के ऊपर लगने शुरू हुए तो उनकी बहन से रहा नहीं गया और उनके जवाब ने सभी के तोते भी उड़ा दिए। He's a jawan. He fought for India, and he was at the LOC. He was at the war. वो एक आर्मी मैन है. That is the reason he is respected in our family. और मैं वो मेरा राखी ब्रदर है. Because of that reason, the reason the army. I am a person who works towards. I have an NGO and I work towards women and child development. तो उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा बार नेवी आर्मी की जरूरत पड़ती है और मेरे को बहुत बार मदद होती है. नीज़ ऑफ़ गड़ा सैनिक फाउंडेशन को एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, दीज पीपल हु एवर द राइवलरीज आर एक्स वाई जेड, ओके, ये लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? Why are they becoming so desperate? तो आप सभी ने सुना ये मैसेज। अब मैं कहना चाहूंगा यास्मीन वांगखेड़े जी को कि टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है और सही काम करता है ना, तो शुरुआत में लोग उसे भरपूर इग्नोर करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान की कोई हैसियत ही नहीं। तब भी अगर वो इंसान नहीं रुकता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उसे अंडसंड आरोपों में फंसाया जाता है, और अगर इतने के बाद भी इंसान अपना संयम ना खोए तो फाइनल स्टेज में उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही चोट पहुंचाई जाती है और उसे पगला और सनकी घोषित किया जाता है। और यही सारी चीज़ें इस वक्त समीर वांगखेड़े जी के साथ भी हो रही है। अभी इन सब के बाद समीर वांगखेड़े जी का क्या सॉलिड टेक है, अब आप वो भी सुन लीजिए। सुना आप सभी ने लाउड एंड क्लियर सत्यमेव जयते। और आशा करता हूँ कि इस लड़ाई में आप सब भी इंसान बने और सच के साथ खड़े रहें, गलत को गलत बताएं और कृपया करके जातिवाद ना फैलाएं। तो ये थी अपडेट, बेहद ज़रूरी अपडेट जो मैंने आप सभी लोगों को बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप सभी लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूँगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।